वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है। अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर? रिपोर्ट नहीं, ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई। कानून अपना। सीमा हैदर और सचिन मीणा से एटीएस ने 2 दिन में करीब 15 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान एटीएस को कई अहम जानकारी मिली और अब इन्हीं जानकारी को लेकर सीमा हैदर के खिलाफ जांच तेज हो गई है। वहीं सीमा हैदर को लेकर उत्तर प्रदेश के स्पेशल डीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, फिलहाल कुछ भी कहना ठीक नहीं है। ये मामला 2 राष्ट्रों से जुड़ा हुआ है, जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। स्पेशल डीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने ये भी कहा कि सीमा को बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है इसके लिए पहले से कानून तय है। डिपोर्ट करेंगे या नहीं ये एजेंसी देखेगी। सुरक्षा में कहीं भी चूक नहीं है, नेपाल बॉर्डर खुला हुआ है। मैंने कहीं कोई टीम नहीं जा रही है इसमें, जांच करने की चल रही है, टोटल गलत है। सीमा हैदर से लगातार पूछताछ चल रही है। नहीं, वो एजेंसियां, सभी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। क्या लग रहा है, पाकिस्तानी जासूस है? संदिग्ध क्या लग रहा है? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही है? नहीं नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर? वापस रिपोर्ट नहीं, ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई। कानून अपना काम। भारत में दाखिल हुई है, क्या नाकामी लगती है सुरक्षा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर हमारा बॉर्डर पोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इस तरह की चीजें। लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। बता दें कि नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत आने के बाद सीमा सीधे ग्रेटर नोएडा में अपने प्रेमी के गांव पहुंच गई थी और वहां चुपचाप उसके साथ रह रही थी। हालांकि स्थानीय लोगों को जब शक हुआ और पुलिस गांव पहुंची तो दोनों वहां से फरार हो गए थे। इसके बाद यूपी पुलिस ने इन्हें हरियाणा के बल्लभगढ़ से पकड़ा था और कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने सीमा हैदर को सशर्त जमानत दी थी। अदालत ने सीमा हैदर को आदेश दिया था कि लोकल पुलिस अधिकारी को बिना जानकारी दिए वो भारत नहीं छोड़ेगी। जमानत मिलने के बाद सीमा हैदर की चर्चा भारत से लेकर पाकिस्तान तक होने लगी। इसके बाद सोशल मीडिया पर सीमा को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कोई उसे जासूस बता रहा है तो कोई उसकी पूरी कहानी को ही मनगढ़ंत बता रहा है। हालांकि सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।